Very warm good afternoon to all of you. Hope you all are good at your home. आज हमने सुबह जो लेक्चर बायोलॉजी का अटेंड किया है, ये वीडियो उसी के रिलेटेड है. जो बच्चे आज अटेंड नहीं कर पाए, सो इट्स फॉर दोस. लास्ट टाइम हमने अपना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेटोफाइट, आई मीन स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने कंप्लीट कर लिया था. हमने मेल उससे पहले कंप्लीट कर लिया था. एंड लास्ट टाइम हमारा जो लास्ट लेक्चर था सैटरडे को, हमने उसमें अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट हमारा कंप्लीट हो गया था. टुडे वी आर विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्लेज अ वेरी की रोल इन योर रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड दैट इज़ योर पॉलिनेशन. ओके, पॉलिनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज रिगार्ड विद योर नॉलेज एंड एज रिगार्ड विद योर एग्जामिनेशन पॉइंट. ओके, पॉलिनेशन जो है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली में, इसीलिए हम मतलब इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एंड इट्स वेरी वास्ट एंड लेंथी, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं. ये आप लोगों ने पहले से भी सुना ही होगा कि पॉलिनेशन क्या है. बेसिकली इट्स वेरी सिंपल मैथड, एक्चुअली ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यू कैन सी स्टैमन टू द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ योर स्टिग्मा. ओके, ट्रांसफ़र होती है पॉलन ग्रेन्स की आपके एंथर से आपके स्टिग्मा पार्ट तक. गॉट इट? ये तो बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है जो आपने पहले भी सुनी हुई है कि एंथर्स जब मेच्योर हो जाते हैं डिहाइसेंस के टाइम पे, जब वो शेड ओवर होते हैं तो वो स्टिग्मा पे, यू नो स्टिग्मा इज़ अ अपर पार्ट विच इज़ वेरी रिसेप्टिव, थिक लेदरी रिसेप्टिव, है ना, वो बहुत ही जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं, प्लेटफॉर्म एक फॉर्म करता है, ब्रॉड फेदरी एंड रिसेप्टिव पार्ट है जहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं एंड देन वो स्टाइल के अंदर मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म होती है एंड देन दे रीच द ओवरी. ओके, सो पोलन ग्रेन्स का शेड होना एंथर पार्ट से स्टिग्मा पार्ट तक, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं. और पॉलिनेशन का बहुत रोल है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र होगी, वो फीमेल तक पहुँचेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगी और फिर ही फ्रूट बनेगा और सीड की फॉर्मेशन होगी. गॉट इट? सो पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव द टर्म, ठीक है, टू अचीव दिस प्रोसेस, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन. यस, देखिए इस हमारे आसपास के माहौल में, इस नेचर में इतनी खूबसूरती से हर एक प्लांट ने अपने आप को अडेप्ट किया है विद रिगार्ड टू द कंडीशंस, कि हर एक प्लांट अपने अपने तरीके से पॉलिनेट करता है, अपने अपने वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर से और अपने अपने तरीके से टाइमिंग पे. ठीक है, उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई किए हुए हैं, कुछ सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, कुछ क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं. ठीक है ना, सो इट्स इज़ अ वेरी वेरी अडाप्टिव फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट. सो इट्स अ वेरी यूनिक, यू नो, यूनिकनेस. दैट्स वाई इट इज़ नाउन एज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. हर एक प्लांट का अपना अपना तरीका है जिससे वो पॉलिनेट करता है, अलग अलग सिस्टम से हैं. सो पॉलिनेशन की टाइप्स हैं. पहली टाइप है इसकी ऑटोगैमी. ऑटोगैमी जो है वो आपकी, यू कैन सी दैट इट्स लाइक सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन टाइप. ठीक है, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेट ही करते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, दे डू नॉट क्रॉस पॉलिनेट. ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमस मीन्स टू फ्यूज और मैरिज. ठीक है, इसमें जो भी ट्रांसफरेंस होगी, जो भी कुछ होगा, वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी. लाइक इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज़ अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर होगा, उसी के जो अंदर स्टिग्मा और एंथर्स होंगे, एंथर्स जो होंगे अपने पोलन ग्रेन्स शेड करेंगे स्टिग्मा पे एंड देन द पॉलिनेशन अकर्स.
इसमें कोई भी जेनेटिक डिफरेंस नहीं आता या कोई दूसरा प्लांट इसमें नहीं की रोल प्ले करता। इसमें जो होगा अपने आप में सेल्फ पोलिनेशन ही होगी। मेनली क्लोज्ड प्लांट्स दैट रिमेन क्लोज्ड सो दे अंडरगो ऑटोगैमस टाइप ऑफ पोलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। यस, क्या होगा ऑटोगैमस प्लांट्स में ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर्स होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, वो क्लोज्ड रहेंगे। मतलब फ्लावर क्लोज्ड रहेगा, उसके स्ट्रक्चर्स एक्सपोज्ड नहीं होंगे। तो जिनमें एक्सपोज्ड होते हैं उनमें ऑटोगैमी कम देखी जाती है। और ऑटोगैमी उन प्लांट्स में क्या होगा जिनमें कुछ स्ट्रक्चर खुलते हैं किसी टाइम पे। ओके, कुछ टाइम पे खुलेंगे बट स्टिल वो ऑटोगैमस के अंडर ही आते हैं। आगे सब टाइप्स हैं हम पढ़ेंगे। उनमें कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा कि पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा वो एक टाइम पे ही मैच्योर होंगे। गॉट इट? सो और वो आपस में बिल्कुल अगर उन जो दो भी फ्लावर्स हैं वो आपस में बिल्कुल क्लोज लाई करेंगे। दे विल लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर कि सेल्फ पोलिनेशन ही हो। बेशक वो अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स हैं लाइक एंथर एंड स्टिग्मा बट उसमें सेल्फ पोलिनेशन ही हो। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अंडर दिस ऑटोगैमी डैट इज चेजोगैमस फ्लावर्स जिन्हें हम होमोगैमस फ्लावर्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है फ्लावर्स विच आर सिमिलर। ओके, फ्लावर्स जो सिमिलर हैं अदर स्पीशीज़ के विद एक्सपोज्ड एंड एंथर्स। इसमें क्या होगा आपके जो फ्लावर्स होंगे वो आपके दूसरे फ्लावर्स से सिमिलर होंगे। ओके, जो आपके दूसरे फ्लावर्स होंगे उनसे आप सिमिलर होंगे और उनके एंथर्स और स्टिग्मा क्या होंगे एक्सपोज्ड होंगे। लाइक आई हैव अगर मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर टू फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो दोनों पास से बहुत मतलब बहुत क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वो बहुत क्लोज लाइक दिस सी, ये दो प्लांट्स जो हैं वो आपस में बहुत क्लोज्ड हैं। ठीक है, ऐसे क्लोज हैं तो क्या होगा कि एक का जो एंथर है वो दूसरे के स्टिग्मा पे शेड हो जाएगा। ठीक है, जो उसके एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे शेड हो जाएंगे और इस तरह से सेम ही फ्लावर है एक ही प्लांट पे लगा हुआ है सो सेल्फ पोलिनेशन ही होगी। क्रॉस पोलिनेशन एजेंट्स नहीं चाहिए उसमें कि क्रॉस पोलिनेटिंग एजेंट्स हों। ठीक है, वो सेम फ्लावर में ही पोलिनेशन कर लेंगे तो उनके पार्ट्स भी ओपन रहेंगे, एक्सपोज्ड रहेंगे उनके पार्ट्स। एंड सेकंड वी हैव क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। और सेकंड हमारी टाइप है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं दैट रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, वो क्लोज्ड रहेंगे और उनके जो एंथर्स हैं और जो स्टिग्मा हैं वो अंदर आपस में बहुत क्लोज लाई करते हैं अपने आप में कि किसी भी तरीके से फिज़िकली या मैकेनिकली वो आपस में क्लोज हो जाएं और उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाए। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होते और उन फ्लावर्स में क्या होता है एंथर्स और स्टिग्मा अपने आप में बहुत क्लोजली लाए करते हैं ताकि जो एंथर्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे शेड हो जाएं और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाए और इस तरीके की क्या हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। जब एंथर्स डिहाइसेंस करेंगे उस फ्लावर के अंदर जो बर्ड होगा ना, फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, वो बर्ड शेप में रहेगा, डिहाइसेंस करेंगे तो वो स्टिग्मा के नेचुरली पास आ जाएंगे, क्लोज फ्लावर रहेगा उसके पास आ जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगी। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। सो वो क्या है ऑटोगैमस की ही टाइप है क्लिस्टोगैमस भी और इसमें कोई भी चांस नहीं होता कि आपकी क्रॉस पोलिनेशन हो सके बिकॉज फ्लावर क्लोज रहेगा, जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आपस में ही पोलिनेट कर लेंगे सो क्रॉस पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो एक ये चीज़ भी एश्योर करते हैं कि अगर कभी आपके पास कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ ए चांस कि पोलिनेटिंग एजेंट से जो क्रॉस पोलिनेशन हो रही है whether it will successful or not, जो pollinating agents हैं वो जो pollination करने जा रहे हैं वो pollination successful होगी कि नहीं होगी। but इस case में जो क्लिस्टोगैमस flowers हैं इस case में इस चीज़ की assurance तो होती है ही कि pollination होगी and there is a formation of
सीड विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड सेट टेक्स प्लेस. सो इट एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर्स के बिना भी इसमें क्या होता है कि आपकी एश्योरेंस होती है कि सीड की फॉर्मेशन पक्का होगी, फर्टिलाइजेशन पक्का होगी. इसमें आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स का कोई भी इशू नहीं रहता. सेकेंड थर्ड यस इट्स द सेकेंड टाइप. ये हम सब ऑटोगैमी के अंदर पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑटोगैमी जिसकी टू टाइप्स थी चेजोगैमी एंड चेजोगैमस फ्लॉर्स एंड क्लिस्ट्रोगैमस फ्लॉर्स. ओके ये सब आपके ऑटोगैमी के अंदर आता है. ओके काइंड ऑफ पॉलिनेशन के लिए सेकेंड पढ़ रहे हैं हम गिटिनोगैमी. गिटोनोगैमी में क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. प्लांट सेम होगा बट ट्रांसफरेंस क्या होगी पॉलन ग्रेन्स की हो जाएगी एंथर से लेके स्टिग्मा पर, फ्लावर दूसरा होगा. ठीक है गिटोनोगैमी जो है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन भी आप कह सकते हैं. ओके जस्ट सपोज इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास एक प्लांट है उसमें फाइव फ्लावर्स लगे हुए हैं. ओके उसमें फाइव फ्लावर्स लगे हुए हैं. फर्स्ट जो फ्लावर है ठीक है उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सबसे जो फिफ्थ वाला फ्लावर है उसके साथ जाके पॉलिनेट हो रहे हैं, उसके स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं. सो पर प्लांट एक ही है उसके पांच फ्लावर्स हैं. सो इट इज़ ए गिटोनोगैमी. ठीक है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. उसी फ्लावर में नहीं होगा वो फ्लावर एक्सपोज्ड होगा, वो बंद नहीं होगा क्लिस्टोगैमस की तरह, वो फ्लावर्स एक्सपोज्ड होगा उसके पार्ट्स ओपन होंगे. सो इट कैन फ्यूज विद द अनदर फ्लावर और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगी. सो इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट क्योंकि वो एक ही सेम प्लांट है उसके आगे सेम ही फ्लावर्स हैं तो जेनेटिकली ये क्या होगा ऑटोगैमस से मैच करेगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगा. ओके एंड थर्ड वी हैव ज़ीनोगैमी. ज़ीनोगैमी और यू कैन से दैट क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है ज़ीनोगैमी को आप क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप भी दे सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स की फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. डिफरेंट प्लांट हो गए ठीक है जैसे कोई और भी डिफरेंट प्लांट हो सकता है उसमें जाके इसकी फॉर्मेशन होगी. वो जैसे सपोज एक गार्डन है उसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं. ओके तो यहाँ से जो एक फ्लावर है उसका जो एंथर है जो वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी दूसरे स्पीशीज के प्लांट से जाके पॉलिनेट कर रहे हैं, सेम प्लांट में नहीं सम अदर डिफरेंट प्लांट. सो इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन. यही एक ऐसी पॉलिनेशन की टाइप है जो जेनेटिकली डिफरेंस लेके आती है. ठीक है जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड करेगी क्रॉस पॉलिनेशन होगी इसमें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन वेदर इट इज़ योर क्रॉस पॉलिनेशन और सो जो आपकी जो ज़ीनोगैमी है ज़ीनोगैमी आपकी एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होगी. क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ीनोगैमी के बहुत सारे आगे टाइप्स हैं. इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होगी वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी चाहिए ठीक है ना लाइक जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग्स एंड नॉन लिविंग. जैसे अगर एबायोटिक फैक्टर्स होंगे तो उसमें पॉलिनेशन विंड एंड वाटर के थ्रू होगी. विंड के थ्रू होगी तो आपकी एनिमोफिली, वाटर के थ्रू होगी तो हाइड्रोफिली एक्वेटिक प्लांट्स में जो होती है. बायोटिक फैक्टर्स में आपके एनिमल्स इंसेक्ट्स ठीक है ना वो सब आ जाएंगे. इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड रेप्टाइल्स भी लीजर्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है. ओके एनिमल्स में एनिमल्स के थ्रू भी आपकी पॉलिनेशन है. सो स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है मेलकोफिली. इंसेक्ट्स के थ्रू होगी एंटीमोफिली. ओके सो ये सब टाइप्स जो हैं ये सब आपकी टाइप्स क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर आती हैं जहाँ पे आपको क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं. बाकी में सब में आपको किसी में क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं चाहिए लाइक इन गिटिनोगैमी और चेजोगैमी और क्लिस्टोगैमी. ओके गिटिनोगैमी में आपको क्या है कि जेनेटिकली डिफरेंट
जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होगा, जस्ट क्रॉस पोलिनेशन होगी। इन सब की अपने अपने एग्जांपल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। लाइक गेटिनोगैमी में जो प्लांट है वो आपका कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा जो प्लांट है वो इस तरह से गेटिनोगैमी के अंडर आता है। देन जो आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं उनके अंडर आपकी जैसे कि ये मूंगफली, ग्राउंड नट, रैकिस हाइपोगिया, ठीक है। सो बहुत सारे आपके प्लांट्स इनके अंडर आ जाते हैं। लाइक इन चेजोगैमस फ्लावर्स, कैथरेंथस सदाबहार जिसे आप कहते हैं, सो वो उनके थ्रू इस तरह से वो मतलब क्या होगा कि स्पीशीज एक्सपोज्ड एंथर्स होंगे स्टिग्मा के और वो वहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे और पॉलिनेशन होगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक ये चेजोगैमस आपका फ्लावर है ना, जो सी इसमें क्या है, ये आपका कॉमेलिना का फ्लावर है। इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ मतलब रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक प्लांट उसका जो उसमें क्या होगा कि चेजोगैमस फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होंगे और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होंगे जो ओपन नहीं होते, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड चेजोगैमस फ्लावर्स वो होंगे जो ओपन होते हैं। ओके, ओपन होंगे वो। सो इसमें क्या होगा कि सी ये कॉमेलिना का प्लांट है, ये दोनों तरह के फ्लावर्स बियर करता है, चेजोगैमस फ्लावर्स भी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी। ओके, बट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, चेजोगैमस फ्लावर्स ऊपर हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स नीचे हैं। जो चेजोगैमस हैं वो अलग तरीके से पॉलिनेट करेंगे, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो अलग तरीके से मतलब उनमें जो क्या होगा कि अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाएगी, क्लोज दे रिमेन क्लोज्ड। एंड सेकेंड में ये जो बी एग्जाम्पल है आपकी, ये क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, इसमें देखो हनी भी कर रही है। एंड जो आपके फर्स्ट हैं वो आपका सेल्फ पॉलिनेटिव फ्लावर्स हैं, जो खुद सेल्फ, उसमें किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, खुद पॉलिनेट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे यूज़ टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स लाइक एबायोटिक एंड बायोटिक, ताकि आपकी पॉलिनेशन हो सके। वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज़ एबायोटिक एजेंट्स, मेनली वो बायोटिक एजेंट्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एबायोटिक एजेंट्स जैसे कि विंड एंड वाटर, इसमें इतनी एश्योरेंस नहीं होती कि सच में पॉलन ग्रेन्स पहुँचेंगे वहाँ पे। इट्स अ चांस फैक्टर, है ना। तो पॉलन ग्रेन्स की इतनी वेस्टेज हो जाती है और समटाइम्स पॉलिनेशन नहीं हो पाती। सो मेनली एवरी प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यूज़ बायोटिक एजेंट्स, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज़ एबायोटिक एजेंट्स, बिकॉज देयर इज़ चांस फैक्टर इन बोथ एबायोटिक फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर। सो इसी इसको कंपनसेट करने के लिए फिर जो विंड और वाटर वाले प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, कि अगर कुछ वेस्ट भी हो जाएं, डिस्ट्रॉय भी हो जाएं, सो एटलीस्ट सम कैन रीच द स्टिग्मा, कुछ तो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। एंड पॉलिनेशन में अब क्या है आपका, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड इज़ नाउन एज, आपको पता ही होगा, आपकी जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन है उसको नाम दिया हुआ एनिमोफिली। सो इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन इन एबायोटिक पॉलिनेशन, बिकॉज वाटर का भी इतना एश्योरेंस नहीं होती, वाटर से भी ज़्यादा विंड को सेफ माना जाता है पॉलिनेशन के लिए। सो इट रिक्वायर्स द पॉलन ग्रेन्स, विंड पॉलिनेशन में क्या होगा, आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं, आपके फ्लावर्स छोटे होने चाहिए, पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, हाँ, और एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि जैसे ही हवा का बहाव आए, हवा के झोंकों के साथ आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी हवा के थ्रू बह जाएं, दे गेट फ्लोट इन द विंड करंट्स। ओके, सो दे प्रोसेस वेल एक्सपोज स्टैमेंस, उनके स्टैमेंस वेल एक्सपोज होने चाहिए, जैसे कि ये सी वेल एक्सपोज स्टैमेंस होने चाहिए और वेरी कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस देयर शुड बी, सो डैट क्या हो कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उनके स्टैमेंस में से जो ईजिली डिस्पर्स हो जाएं और करंट, जो विंड करंट्स हैं उनके थ्रू कैरी होकर वो आपके स्टिग्मा तक पहुंच जाएं। और इस केस में मतलब हर एक प्लांट की हर एक बायोटिक फैक्टर के साथ साथ अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। अगर वो विंड वाला प्लांट है, दैट इट इज़ विंड पॉलिनेटिंग प्लांट, तो उसके ये करेक्टर्स होने चाहिए कि इट शुड बी लाइट, पॉलन ग्रेन्स शुड बी लाइट, स्टैमेंस शुड बी एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड, एंड स्टिग्मा शुड बी लार्ज, रिसेप्टिव, फेदरी, ताकि वो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को ईजिली ट्रैप कर सकें, ठीक है, दे कैन लैंड। सो विंड पोलिनेटिंग फ्लावर्स हैव ऑफन ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर एक ओवेरी में एक सिंगल ओव्यूल होगा,
आर न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस. बहुत सारे जो फ्लावर्स होंगे वो एक इन्फ्लोरेसेंस में, बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप हो जाएगा और एक इन्फ्लोरेसेंस में रिजेंबल करेंगे. और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है आपका मेज प्लांट, जिया मेज, जिसे आप कॉर्न भी बोलते हैं. सो जो ऊपर मक्की का जो ऊपर छल्ला होता है ना, जो छल्ली हम खाते हैं, जो उसके साथ सीड्स जो हम एक्चुअली खाते हैं और व्यूल्स होते हैं, वो क्या है कि विंड पोलेटिंग फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. उनके हर एक ओव्यूल में एक ओवरी, हर एक ओवरी में एक ओव्यूल होगा. एंड न्यूमरस फ्लावर्स जो होंगे वो एक इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे. वैसा ही आपके मकई के केस में देखा गया है. उसमें टैसल्स जो हम देखते हैं, जो फीमेल पार्ट है, वो क्या है, एक स्टिग्मा स्टाइल है जो कि विंड में वेव करते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके. ओके, विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. यस, ये ग्रासेस ग्रास फैमिली में बहुत फेमस है. विंड पॉलिनेशन ग्रास फैमिली में अक्सर होती है. पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर. पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होती है वो ये क्वाइट रेयर है पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में ना, और कुछ 30 जनराज में ही है ये, और उनमें से भी मोस्टली वो क्या है, मेनली दे आर मोनोकॉटिलेडन्स. ओके, मोनोकॉटिलेडन्स में ज़्यादा देखी जाती है विंड पॉलिनेशन, सॉरी वाटर पॉलिनेशन, विच इज़ नाउन एज हाइड्रोफिली. एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट द वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो मेल गैमेट्स के लिए लोअर ग्रुप्स में वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ट्रांसपोर्ट पॉलन ग्रेन्स के लिए, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ऐसा माना भी जाता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए कम रह गई है, इसीलिए वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है उनके पॉलिनेशन में. सो पानी की यू नो, ड्यू टू द नीड फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट, मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो. कुछ एग्जाम्पल्स जो पॉलिनेटिंग वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स की है वो है वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला. हाइड्रिला यू नो वेरी फेमस प्लांट. वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला में ऐसे ही होता है, दे आर वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. जॉस्टेरा भी है जिसे हम सी ग्रास कहते हैं. वैलिसिनेरिया में क्या होता है कि मेल प्लांट जो होता है और एक फीमेल प्लांट जो होता है ये सबमर्ज्ड होंगे. ठीक है, पानी के अंदर होंगे ये. सो मेल प्लांट्स क्या होंगे, अपने स्ट्रक्चर्स जब उनके फ्लावर्स जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे तो वो उनकी वहाँ से डिटैच्ड हो जाएंगे अपने मेल प्लांट से. सो मेल गैमेट्स बनके वो फ्लावर के ऊपर पर फ्लोट करेंगे, वाटर के सरफेस पे वो जो मेल फ्लावर्स हैं फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे. दे कंटेन द मेल गैमेट्स. और जो फीमेल प्लांट है वो क्या करेगा कि वो पूरा मेच्योर होने के बाद उसकी जो स्टॉक है, वो जो उसका स्टॉक है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जो वहाँ तक उस वाटर की सरफेस तक पहुँच जाएगा जहाँ मेल गैमेट्स फ्लोट कर रहे होंगे. देन क्या होगा कि मेल गैमेट्स में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर शेड होंगे, वो उसे रिसीव कर लेगा. देन जो उसकी स्टॉक है वो अपने आप में कॉइल्ड होगी और वो वापस पानी के अंदर आ जाएंगे. ठीक, पानी के अंदर आके वो बिल्कुल बंद हो जाएगा फ्लावर, स्टिग्मा और जो फ्लावर है वो टोटली बंद हो जाएगा और अंदर ही फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो जाएगी. ठीक है, एंड देन नॉट ऑल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन. और ये भी सच है कि सभी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं सभी में भी वाटर पॉलिनेशन हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इन ए मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली. वाटर हायसिंथ और वाटर लिली फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वो पानी के लेवल के ऊपर इमर्ज करेंगे और उनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होगी. ओके, इंसेक्ट्स के थ्रू होगी और विंड के थ्रू होगी, लाइक एनिमोफिली और एंटीमोफिली, जैसे कि बहुत सारे लैंड प्लांट्स में देखा गया है. मीन्स वो है वाटर प्लांट्स बट दे रीच अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड देन दे अंडरगो इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन. इन वैलिसिन एरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर. फीमेल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वो सरफेस ऑफ वाटर को रीच करेगी. देन बाय द लॉन्ग स्टॉक मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर.
जितने भी मेल फ्लावर्स हैं वो अपने मेल गैमेट वाटर के सरफेस पे रिलीज करेंगे, देन स्टिग्मा उसे रिसीव कर लेगी। और वाटर करंट्स की वजह से क्या होगा कि कुछ फीमेल फ्लावर्स में पहुंच जाएंगे, उनके स्टिग्मा को मतलब ग्रैब कर लेंगे। इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलेंटिंग प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड। सी ग्रासेस में क्या होगा, फीमेल प्लांट जो है वो पानी के अंदर ही रहेंगे, सबमर्ज रहेंगे, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पानी के अंदर ही रिलीज होंगे। ठीक है, मतलब पानी के अंदर ही रहेंगे, पानी के लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, और उनके अंदर ही जो है आपके जो प्लांट जो मेल पोलन ग्रेन्स हैं वो अंदर ही रिलीज होंगे। और पोलन ग्रेन्स इन मैन इन सच स्पीशीज़ आर लॉन्ग। इन केसेस में क्या होगा, पोलन ग्रेन काफ़ी लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, और वो बड़े ही भाव से जो है वो पानी के थ्रू कैरी किए जाएंगे, और कुछ उनमें से स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। यस, एक म्यूसिलेज कवरिंग पोलन ग्रेन्स के अराउंड डेवलप हो जाती है ताकि वो कहीं पानी से पूरे भीग ना जाएं, उनका जो एसेंस है जो मेल गैमेट्स हम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ओके, इस तरह से पॉलिनेशन होती है वैलिसिनेरिया में। ये फीमेल फ्लावर है, ये इस तरह इसकी स्टॉक जो है इस तरह से कॉइलिंग होती है। ये मेल फ्लावर्स हैं, ये इस तरह से अपना शेड करेंगे, ये स्टिग्मा है, रिसेप्टिव हो जाएगी, पानी के सरफेस पे इस तरह से मेल गैमेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। और सेकंड आपकी है इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स यूज़ करते हैं, एजेंट्स यूज़ करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक बीज, बटरफ्लाइज, वैस्प्स, एंट्स एंड बर्ड्स भी यूज़ होते हैं, हमिंग बर्ड विच इज स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और बैट्स भी बहुत कॉमन एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के लिए। सो इंसेक्ट्स में जो बीज हैं पर्टिकुलरली वो बहुत डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट हैं, मेनली पॉलिनेशन बीज के थ्रू ही होती है। और जो लार्जर एनिमल्स हैं लाइक प्राइमेट्स, लेमर्स, अर्बोरियल एनिमल्स जो ट्रीज में रहते हैं, और रोडेंट्स वगैरह, लीजर्ड्स, दीज एनिमल्स ऑल्सो पॉलिनेट। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड बाई अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं ना वो एक स्पेशल, दे आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। हर एक प्लांट ने एक पर्टिकुलर एनिमल की स्पीशीज के साथ अडेप्टेड है। लाइक अगर कोई विंड, अगर कोई इंसेक्ट पॉलिनेटिंग है तो इंसेक्ट ही प्रेफर करेगा कि इंसेक्ट पॉलिनेशन ही हो, लाइक बीज आर वेरी कॉमन। ओके, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज। बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो हैं वो बड़े होते हैं। येस, दे हैव टू अट्रैक्ट, मेनली जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स को पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं दे आर बिग, शोई, कलरफुल, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी ताकि वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकें, है ना। और अगर उनके फ्लावर्स छोटे होंगे, मेनली तो बड़े या कलरफुल होंगे, अगर छोटे होंगे तो वो सब एक गुच्छे की तरह यू नो इकट्ठे होकर क्लस्टर फॉर्म कर देंगे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और बाय फ्रेग्रेंस। यस, कलर्स से, उनके शोई कलर्स, बड़े बड़े पेटल्स, फ्रेग्रेंस से एनिमल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो हर एक एनिमल के साथ जो पॉलिनेट होता है फ्लावर, उसका अपना अपना अडेप्टिव फीचर है। और अगर वो फ्लाइज के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है सो उसको इतने खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेन इट इज़ इट्स क्रिएट्स फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट एनिमल्स, दीज एनिमल्स, लाइक अगर फ्लाइज होंगी या बीटल्स होंगे, ना फ्लाइज कैसी जगह पे आती हैं, गंदगी पे आती हैं ना फ्लाइज, मक्खियाँ उन जगह पे आएंगी जहाँ गंदगी होगी, लाइक कुछ अगर कुछ रोटन मीट जैसी स्मेल होगी तो वहाँ फ्लाइज आएंगी। सो कुछ फ्लावर्स ऐसी फ्रेगरेंस, ऐसी ऑर्डर रिलीज करेंगे कि फ्लाइज सोचेंगे कि कुछ गंदगी वाली जगह है, सो वो उसके थ्रू जाएंगी और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगी। नेचर का यही सीक्वेंस है कि हर एक चीज़ अपने आप के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर वो बीज से हो रहे हैं, एनिमल से हो रहे हैं, तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, शोई, फ्रेगरेंस एंड दैट लार्ज,
एंड अगर वो फ्लाइज़ के थ्रू हो रहे हैं सो उनका कलर और इतना उनकी स्मेल इतनी मैटर नहीं करेगी. इट कंसिस्ट ऑफ फाउल ऑडर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज लाइक बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. कम से कम एक डायमीटर के घेरे में होगा फ्लावर लाइक रेफ्लेशिया. सो इट्स स्मेल इज़ लाइक रॉटन मीट स्मेल. सबसे गंदी स्मेल है उसकी. सो फ्लावर्स हैव टू अडाप्ट देयर सेल्फ. उनको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि एनिमल्स उनके तक आते रहें. एंड बेसिकली जितने भी हैं वो नेक्टर या पॉलन ग्रेन्स के लिए यूजली फ्लोरल यू नो फ्लोरल रिवार्ड्स ऑफ ए प्लांट आर नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स. जो एनिमल्स हैं वो मेनली कुछ ना कुछ वहाँ पे विजिट करेंगे और ताकि कुछ ना कुछ फ्लोरल रिवार्ड्स मिले, है ना. और फ्लोरल रिवार्ड्स क्या होगा? नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स. और हार्वेस्टिंग रिवार्ड ये होगा कि जो एनिमल है फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम्स इन कंटैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा. जो एनिमल्स हैं जब वो एंथर्स के क्लोज आ जाएंगे वो पॉलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ स्टिकी हैं वो अटैच्ड हो जाएंगे. जब वो कभी किसी और प्लांट में जाएंगे स्टिग्मास के साथ उनकी कंटैक्ट होगा तो वो स्टिग्मा उन्हें इट इज़ अ रिसेप्टिव पार्ट वो उन्हें रिसीव कर लेगा पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है. मतलब पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एनिमल की कोटिंग बॉडी के साथ अटैच्ड हो जाएंगे एंड जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनके साथ अटैच्ड रहेंगे. देन एनिमल्स जब भी कभी किसी ऐसे स्टिग्मा के साथ कंटैक्ट में आएंगे तो इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन. तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन हो जाएगी. कुछ स्पीशीज में क्या होता है? इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स. बहुत सारे इस यू नो नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो एक दूसरे को बेनिफिट भी देते हैं. वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिनन्स. इसमें एक फिनोमिना ये है कि जो टॉलेस्ट फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर क्या है? अमॉर्फोफैलस. ओके, ये फ्लावर की हाइट होती है कम से कम 6 फीट. 6 फीट इसकी हाइट होती है. ये प्लांट क्या करता है? इसके पास एक रिलेशनशिप होता है मॉथ के साथ. इट अंडरगोज अ रिलेशनशिप वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ मॉथ. और प्लांट है आपका ज्यूका, ठीक है. ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, ऐसा ही एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ज्यूका और मॉथ के साथ. सो जैसे टॉलेस्ट फ्लावर का पढ़ा ना हमने अमॉर्फोफैलस, वैसे ही एक और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपके मॉथ और प्लांट ज्यूका के बीच में. जिसमें क्या होता है कि मॉथ प्लांट जो है वो अपना लाइफ साइकिल बिना मॉथ जो है वो अपना ज्यूका प्लांट के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता. दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल अंडरगो नहीं कर सकते. जो मॉथ है वो अपने एग्स को सेव करने के लिए ओवरी के लोक्यूल में अपने एग्स को डिपॉजिट कर देगा. और जो फ्लावर है उससे क्या होगा? अगर मॉथ आएगा तो उससे क्या होगा? उसकी पॉलिनेशन हो जाएगी. ओके, एक एनिमल ने अपने एग्स को सेव कर दिया, एक प्लांट ने अपनी पॉलिनेशन कर दी. उसके बाद क्या होगा? जैसे ही एग्स हैच होंगे, ग्रो होगा, लार्वे में होगा, और वैसे ही क्या होगा? सीड भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोसेस. बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. इस तरह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती रहती है. एक तरह से एक एनिमल को फ़ायदा हो रहा है, साथ में एक प्लांट को पॉलिनेशन की हेल्प मिल रही है. सो कुछ ऐसे म्यूचुअलिज्म यू नो ऐसे फ़ायदे भी होते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल्स को पॉलिनेशन के अलावा भी फ़ायदा हो. सो जनरल केसेस में एनिमल पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन देखी जाती हैं. उसके अलावा बैट पॉलिनेशन, चिरोट्रोपोफिली एंड मेलकोफिली बाई स्नेल्स, ठीक है ना. सो इट्स वेरी कॉमन अमंग दीज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. सो इसमें क्या है कि आपकी इस तरह से है कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, और ये पॉलिनेशन के मेथड में आता है. बच्चे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको पूछ सकते हैं पॉलिनेशन क्या है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं पॉलिनेशन जिनके थ्रू होती है. तो आप इन सब के नाम लिखेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे दैट बाय विंड एनिमोफिली, बाय वाटर हाइड्रोफिली, और सबका अपना अपना एक करेक्टरिस्टिक फीचर बताएंगे कि अगर विंड प्लांट है तो वो लाइट होने चाहिए, पॉलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए. देन अगर वो वाटर वाले हैं तो उनके अराउंड एक कोटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना. एंड इफ़ दे आर इंसेक्ट्स और एनिमल्स तो अट्रैक्टिव होने चाहिए, शोई होने चाहिए, फ्रेग्रेंस वाले होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए उनके पेटल्स. अगर वो फ्लाइज वाले हैं तो उनके पास इतना मैटर नहीं करता. दे मस्ट कंटेन द फाउल ऑडर, एक गंदी स्मेल होनी चाहिए जिससे वो बिनाती मक्खियों को अट्रैक्ट कर सके.
सो नेचर में हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज चलती है कि हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड है, और उस इंटर रिलेशन को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ दोनों ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक अडेप्टिक फीचर्स आ ही जाते हैं। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। बाकी अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।